हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वंस अगेन आपका पॉलिटेक्निक के नंबर वन चैनल रिस्क वाकेट में। तो गाइस, इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक की, और वो कॉलेज जो आपको चाहिए, कॉलेज ही नहीं, वो कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जिस कॉलेज में आपका सपना है, जिस कॉलेज में आपका सोच है। वो टॉप के कॉलेज हो सकते हैं, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक वाला बेहतरीन कॉलेज हो सकता है। तो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की तैयारी तो करोगे ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिसे सरकारी कॉलेज चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मैं बताऊंगा। और 100% विश्वास मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, और आप खुद अपने आप से बोलोगे नहीं, वी कैन डू इट। आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आपको पहले सोचना होगा कि आपके पास कितने दिन का समय है, आप कितने दिनों में तैयारी करना चाहते हैं। क्या आपके पास 2 महीने हैं, 1 महीने है, 10 दिन है, 20 दिन है, जितने भी दिन आपके हैं बचे हुए एग्जाम के, क्योंकि एग्जाम को टारगेट करके जब आप तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। और इसी तरह पढ़ते रहोगे तो एक टारगेट फिक्स रहता है, तो आपका वही पढ़ाई बूस्टअप करता है, वही आपको स्पीड देती है, एक्यूरेसी देती है, टाइम मैनेजमेंट देती है, और रिजल्ट फाइनली आपका बेहतर होता है। तो बात करूंगा, अगर आपके पास मुश्किल से समझ लीजिए 20 दिन है, हालांकि बिहार पॉलिटेक्निक की एग्जाम डेट में अभी लगभग 20 दिन बाकी है, और हो सकता है 10 दिन भी किसी का हो, किसी का 1 महीने भी हो। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, कितने दिनों में आप पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, इस टॉपिक पे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और अगर मुझसे कोई पूछे, या फिर जो हमसे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनसे कोई पूछे कि क्या 20 दिन में पॉलिटेक्निक की तैयारी हो सकती है, तो इसका 100% जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ, इस 20 दिन में हम अपने आप को बेहतर करेंगे, क्योंकि 20 दिन बाद जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरे मम्मी पापा को यह ना सोचना पड़े कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इतने दिनों से पढ़ पा रही है, वो फेल हो चुकी है एग्जाम में। और आपके अंदर जुनून लाना होगा, नहीं मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, इसके वजह से आपको पढ़ना होगा। 20 दिन अपने आप को फुल कंसंट्रेट रखिए, हमारे साथ रख सकते हैं आप, अपने बुक के साथ रखिए, या जहां से भी पढ़ रहे हैं कंसंट्रेट होइए, हम कोई प्रेशर नहीं करते कि आप कहां से पढ़िए, जैसे भी पढ़ रहे हैं। तो 2 ऑप्शन है, आपको मैं चीजें डिटेल में थोड़ा बता दूं कि सिलेबस क्या है, ये आपको मालूम हो चुका है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर सिलेबस है, तो फिजिक्स के आपके 24, केमिस्ट्री के इसी तरह कितने हैं 24 है, और मैथमेटिक्स के लगभग 40 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। ये चैप्टर सिलेबस की बात कर रहा हूँ, और बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बात करने जा रहा हूँ 20 दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे। तो मान लो 24 चैप्टर है आपका फिजिक्स का, 20 दिन में पढ़ना है, तो एक दिन में कितना चैप्टर चाहिए आपको, सपोज तो 3 20 है, तो लगभग 2 चैप्टर अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो 40 चैप्टर पढ़ सकते हो। 20 दिन में आप चाहो तो एक सब्जेक्ट का 40 चैप्टर पढ़ सकते हो, अगर 2 2 चैप्टर एक दिन में पढ़े। लेकिन आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ने हैं 3 चैप्टर, एक दिन में 3 चैप्टर। और ये मैं कैसे होऊंगा ये भी बताने जा रहा हूं। और देखो, फिजिक्स का वीडियो हो, केमिस्ट्री का वीडियो हो, आप थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं अभी, थ्योरी आपका आधे घंटे के लगभग होता है, आधे घंटे का होता है थ्योरी। उस थ्योरी को आप थोड़ा फास्ट मोड में देखेंगे तो आधे घंटे को 20 मिनट में आप एक थ्योरी कंप्लीट कर लोगे। 20 मिनट इनफ है आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की चल रही है, चीजें व्यवस्थित समझिए और एक प्लान देखिए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 20 मिनट में, 25 मिनट में, या फिर 30 मिनट में भी आप एक चैप्टर रिविजन कर लिए विद द हेल्प ऑफ वीडियो, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी के जमाना चीजें आसान हो जा रही हैं, आप लेटे लेटे भी पढ़ाई कर ले रहे हो, टेबल पे बैठ के कर रहे हो। तो 20 मिनट में मैं मान के चल रहा हूं, तो 3 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं डेली, तो आपको लगेंगे 60 मिनट, आपका 60 मिनट टाइम जाएगा इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो एक दिन में आपने 3 चैप्टर कंप्लीट किया, तो 24 चैप्टर आपका 8 दिन में कंप्लीट हो गया ना। और ये क्या आप अपने पढ़ाई में 60 मिनट नहीं दे सकते हो? अब अपने आप से आप जवाब पूछोगे
तो बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल दे सकता हूँ, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है। एक एक घंटे, दो दो घंटे की मूवी आप लगातार देख सकते हो, तो क्या एक घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, करना नहीं चाहते हो, या तो तुम्हें सही प्लान नहीं पता रहता है। पढ़ने से नहीं होता, सही तरीके से पढ़ने में होता है। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से आप फिजिक्स को पढ़ोगे, केमिस्ट्री को पढ़ोगे, मैथमेटिक्स को, तो लगभग 3 घंटे आपके चले जाएंगे वीडियो को, थ्योरी को समझने में। समझ रहे हैं बात? और थ्योरी को जैसे आपने कंप्लीट किया, ये थ्योरी के बाद आप इसी थ्योरी पे क्या कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करा रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको समय लगेगा, पढ़ने में समय नहीं लगता, प्रैक्टिस में समय लगता है, और प्रैक्टिस ही मेन है। ये केवल एक कहानी है और कुछ नहीं है। थ्योरी में आपको बस पता चल गया कि इस चैप्टर की कहानी क्या है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसी चैप्टर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे। हर चैप्टर के कम से कम 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। इन 15 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छी बात है। ये भी लाइव कराया जा रहा है, आपको पता नहीं होगा तो क्लास की टाइमिंग जान जाइए, सुबह में 8 बजे 8 AM पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, मैथ की, और 7 PM पे शाम को इवनिंग की क्लासेस लाइव चलाई जा रही है साइंस की। और सुनिए, ये आपने किया, थ्योरी आपका कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट आपको पता चल गया, ठीक है, क्या पढ़ना है इसी में इनबिल्ड हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है। कितने दिनों में पढ़ना है ये अब आप डिसाइड करोगे कि हमने 20 दिन में टारगेट किया, 20 दिन में टारगेट किया तो आपको 15 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस कर लेना है। 15 दिन के अंदर, ये नहीं कि 20वें दिन हमारा जाके पूरा होगा, ऐसे मामला गड़बड़ हो जाएगा। 15 दिन में ही आपको कर लेना है। कैसे पढ़ना है ये भी इसी में मैंने आपको पढ़ाया कि एक एक दिन आप थ्योरी भी देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, और साथ ही साथ आपको चीजें आसानी से अवेलेबल हों। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि आपको ढूंढना पड़ जाता है, और ढूंढने में समय जो वेस्ट होता है, आपको समय को अपने आप को सेव रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाए, टोटल टाइम आपका स्टडी में इनबिल्ड हो। समझ रहे? तो ये सब कुछ आप कर पाओगे, और इसके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर मस्ट है। जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं करेगा उसको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा एग्जाम में, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आप सॉल्व करेंगे और ये हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपके पास नहीं है तो। लास्ट 10 ईयर के पेपर मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 10 ईयर के, सुनो प्यार से, लास्ट 10 ईयर विद सोल्यूशन पेपर मैं आज आपको दे दूंगा, और मॉडल पेपर भी आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर और प्लस मॉडल पेपर, इसी में बेस्ट क्वेश्चन की नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो ये भी आपको 10 मॉडल पेपर अगर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और डेली ये एक एक कीजिए, ये एक एक कीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप कर पाएंगे, समय को ध्यान में रखते हुए आप एक एक कर सकते हो, और प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनबिल्ट है, समझ रहे हैं बात को? अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो ये चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट है। और इसमें मैं आपको कितना दूंगा प्रैक्टिस सेट में, समझ रहे हैं, 70 सेट मैथ के मिलेंगे आपको, 50 और 50 फिजिक्स केमिस्ट्री के, बहुत ज़्यादा है। आप इसमें का लगभग क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो मैक्सिमम चांस है आपकी सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। जैसा कि यूपी पॉलिटेक्निक में विथ प्रूफ आपको दिखाया, 1500 से अधिक स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में ही गए गवर्नमेंट कॉलेज में। अभी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, 6, 7, 8 राउंड तक काउंसलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगी। फर्स्ट राउंड में ही आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी से 1500 से अधिक स्टूडेंट जा चुके विथ प्रूफ, और PDF भी मैं हर स्टूडेंट का प्रोवाइड करूंगा आप लोग को, ताकि आपको और भी ज़्यादा विलुभ हो कि आप इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ रहे हैं। और देखो, ये सब कुछ करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर चीज़ें 1 हफ्ते भी फॉलो कर रहे हो ना, तो हजारों लड़कों से काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा। आपने क्या किया, सिलेबस को पढ़ा, क्वेश्चन किया, टाइम के अंदर किया, हालांकि थोड़ा सा आपकी पढ़ाई की टाइमिंग ज़्यादा जाएगी, 10 घंटे भी आपको पढ़ने पड़ सकते हैं, चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन आपको अब एक बेहतर प्लान मिल चुका है, अब इसके थ्रू आपको पढ़ना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को कर पाएंगे, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ऐसे नई चीज़ें हो जाएंगी।
देखो राजा वही होता है जिसके अंदर काबिलियत होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज भी उसी को मिलेगा जो उसको छीन कर लाएगा। ऐसे नहीं कि बस पढ़ते रहे इधर उधर से कोई ढंग ही नहीं पढ़ने का, कभी कुछ पढ़ लिए कभी कुछ पढ़ लिए। व्यवस्थित पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए और रूटीन में पढ़िए, सब कुछ पढ़ लेंगे आप 20 दिन में भी, अगर आपको कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। आप करोगे, आपसे कोई करवा पाएगा तब, या फिर आपको अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए कि हाँ सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे आसानी से बस मिल जाए मैं पढ़ लूँगा। आपको ढूंढना ना पड़े, पता चला आपको प्रैक्टिस सेट ही नहीं मिल रहा है, आपको थ्योरी ही नहीं मिल रहा है, आपको थ्योरी पे बेस्ट क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होंगी। और आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल, और जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, और भी ज़्यादा किया जाएगा, और लास्ट के 20 दिन में आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा स्पीड अलग से लाई जाएगी, ठीक है। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो आपको बोला मैंने क्या कि क्या 20 दिन में तैयारी कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, तो इसका जवाब हाँ है, आप कर सकते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी और चीज़ें आपको आसानी से उपलब्ध हो। अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए और नहीं जुड़े हैं तो हमारे क्लास साथ आप जुड़ सकते हैं, ये नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, और इसी नंबर पर आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा इसका फीस, क्योंकि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फीस वो गरीब स्टूडेंट के लिए 9921-9484-25 ये नंबर है, इसी नंबर पे आपको फीस पेमेंट करनी होगी 199 रुपये। ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा विद इन आवर, कितने रुपए में, 199 रुपये आपकी फीस लगेगी, जिसमें 24 चैप्टर फिजिक्स, 24 केमिस्ट्री, 40 मैथमेटिक्स और प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्लस प्रीवियस ईयर, प्लस मॉडल पेपर, प्लस प्रैक्टिस सेट, और क्विज भी अलग से दिए जा रहे हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप इसको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करके और पेमेंट करेंगे तो नाम शो कराएगा अशोक कुमार मौर्य, ठीक है, नाम शो कराएगा। अगर आपका नाम मैच हो जाता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो। और कॉल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सीरियसली मैं कॉल सबका रिसीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है पढ़ाई में, उन स्टूडेंट को पढ़ाना है जैसे यूपी वालों ने हमारा नाम रोशन किया, आप भी करोगे। आप खुद कॉल करके बोलोगे हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया, जाके कमेंट बॉक्स में देखिए हजारों स्टूडेंट डेली कमेंट करेंगे नहीं सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आपके वजह से आपने इतना पढ़ाया, थैंक यू बोल रहे हैं, और हमें तब जाके खुशी होती है। ये सब कुछ आप कर सकते हैं, इसी नंबर पे पेमेंट कर लेंगे, 9921-9484-25 नाम शो कराएगा, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, कहीं से भी कीजिए, और व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, एक नंबर ऑन ले लीजिए 9928-00-4708 इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा पेमेंट करने के बाद ही कॉल करने का, या फिर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। ऐसा नहीं कि हम पेमेंट कर दिए तो हम तुरंत फ़ोन करने लगे कि सर फोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो हम कैसे कि नहीं करेंगे। आपको मैं नाम बता दिया, ऑटोमेटिक अकाउंट ले लेगा, नाम कन्फर्म होते ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, किसी भी नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। आज से ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट, और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो देरी नहीं कीजिए, सोचो ना, जितना सोचोगे उतना समय पढ़ाई में देना है, समझ रहे, बेहतर तरीके से पढ़िए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, और 100% विश्वास रखिए आपका सिलेक्शन इसी बार होगा, और सिर्फ केवल गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जिसे भी एडमिशन चाहिए और जिसको पढ़ाई पूरी, हमारे साथ जुड़कर एनर्जेटिक तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ पे भागने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही आराम करने का मौका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, पढ़ाई का माहौल, आपके अंदर 24 घंटे पढ़ाई, और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पे केवल और केवल पढ़ने वाले लड़के, बॉयज़ एंड गर्ल्स से मिलेंगे, वहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी, दिन भर आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट है, जिसको जुड़ना है तुरंत दोनों नंबर पे, आप चाहो तो व्हाट्सअप कर सकते हो और पेमेंट करके डायरेक्ट जुड़ जाइए, ऑल दी बेस्ट है, आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अपने आप पे विश्वास रखिए, और हमारे ऊपर, हमने बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा और आपका नाम जरूर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। तो ऑल दी बेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और तैयारी कितनी है आपकी, क्या आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हम बताइए कि हाँ सर मैं इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जरूर लूंगा।